अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स एंड फैमिली, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ कश्यप काशी, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ वही बनी माँ वाला व्लॉग पार्ट टू मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखें, हम लोग जब वहाँ से ज्यारत से बाहर निकले थे तो वहाँ पे जो शॉप्स हैं, ये पकौड़ों, समोसों वाली और अमृतसर और इस तरह की जलेबियाँ और हलवा पूड़ी, ये रात को 6, 6:30, 7 बजे का टाइम है, इतनी रौनक थी। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी जो मेरी यूट्यूब फैमिली है, मैं उसको भी अपने साथ ले लेके चलूँ, क्योंकि मेरी जो यूट्यूब फैमिली है वो बहुत अच्छे मुझे कमेंट्स भी करते हैं और बहुत अच्छी मेरे साथ बातें भी करते हैं। और जो मेरी जो फ्रेंड मेरे हैं और जो मेरी कुछ व्यूअर्स हैं और जो कुछ मेरे सब्सक्राइबर हैं वो आउट ऑफ कंट्री भी हैं। कुछ मेरे सब्सक्राइबर UK में होते हैं, कुछ लंदन में होते हैं। मैं उनके लिए भी ये व्लॉग बनाती हूँ ताकि वो अपने पाकिस्तान को देख के, अपने खूबसूरत पाकिस्तान को देख के अपनी यादों को ताज़ा करें। मेरी एक सब्सक्राइबर होती हैं लंदन में, तो उन्होंने मुझे बोला था आई लव पाकिस्तान, तो उनके लिए स्पेशल उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। आप लोग आप ज़रूर देखिएगा और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। मुझे उनका नाम तो नहीं पता लेकिन वो मुझे बहुत अच्छे कमेंट्स करती हैं। थैंक यू आप लोगों का मुझे इतना अच्छा सपोर्ट करने का। आप लोग मेरी वीडियो को शेयर करते हैं, उसके लिए भी थैंक यू। और जो लोग मुझे पसंद करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया, और जो लोग मेरी वीडियो को लाइक करते हैं उनके लिए तो और भी ज़्यादा शुक्रिया कि आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करते हैं। और जो लोग मेरी वीडियो को देख के जलते हैं उनका मैं शुक्रिया कभी भी नहीं अदा करूँगी, और जो लोग मेरी वीडियो को शेयर नहीं करते उनका भी शुक्रिया अदा नहीं करूँगी, और जो लोग मेरी वीडियो को लाइक नहीं करते उनका भी शुक्रिया अदा नहीं करूँगी। क्योंकि लोगों का काम होता है जलना और हमारा काम होता है लोगों को जलाना, तो इसलिए जो जलता है 100 दफ़ा जले, हमें तो कोई टेंशन नहीं है। और ये देखिए आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये वाला व्लॉग। मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग कैसा लगा। वीडियो को बनाने के लिए बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, वीडियो को कैप्चर करने के लिए भी बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, और उसके ऊपर वॉइस करने के लिए भी मुझे बहुत टाइम निकालना पड़ता है। लेकिन जहाँ जहाँ पे भी मैं जाती हूँ, मैं अपनी फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को, अपनी यूट्यूब फैमिली को मैं अपने साथ साथ रखती हूँ, और मैं उनको बताती हूँ कि मैंने क्या किया पूरे दिन में और घर के काम काज, डेली व्लॉग कर रहे होंगे, व्लॉग हर तरह के व्लॉग में आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने ये परचेज़ नहीं किए थे क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा ये चीज़ों का अब पहले बहुत शौक था, लेकिन अब मुझे इतना कोई खास शौक नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने ये जो थे पहन के चेक किए थे, तो बच्चों के टॉयज लिए थे, रुशना ने लिए थे मिट्टी के खिलौने, रबेल ने लिए थे स्टील के, और आशी ने 4x4 कार ली थी। अभी हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ, और इतना तेज़ तूफ़ान शुरू हो गया था और हल्की हल्की सी बारिश भी स्टार्ट हो गई थी, लेकिन खैर बहुत मज़ा आया। ये सैटरडे वाला दिन था, हम लोग उस सैटरडे वाले दिन गए थे और काफ़ी टाइम बाद हम लोग गए थे घूमने के लिए। तो इस्लामाबाद में बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, बहुत प्यारा मौसम हुआ था। मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ किसी और व्लॉग में, बाय बाय।